नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ पायल रावत। आज हम आपको यूपी के बलरामपुर जिले में स्थित बिजलेश्वरी देवी मंदिर की जानकारी साझा करेंगे। बलरामपुर में राप्ती नदी के तट पर स्थित बिजलेश्वरी देवी मंदिर श्रद्धालुओं के श्रद्धा का केंद्र है। लगभग 150 वर्ष पूर्व इस स्थान पर मां पटेश्वरी ने बाबा जयराम भारती को बिजली स्वरूप का दर्शन दिया था, इसलिए यह स्थान बिजलेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। यहां पिंडी तथा स्थापित षटकोण यंत्र के द्वारा मां के निराकार स्वरूप की पूजन होती है। कहा जाता है कि एक संत बाबा जयराम भारती राप्ती नदी के किनारे कुटी बनाकर रहते थे। प्रतिदिन वे नदी पार करके शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर मां पाटेश्वरी जी के दर्शन करने जाया करते थे। दर्शन के उपरांत ही वे अन्न जल ग्रहण करते थे। एक बार राप्ती नदी में भयंकर बाढ़ आ गई तथा बाबा नदी ना पार कर पाने के कारण भूखे प्यासे ही रहे। तब मां पाटेश्वरी देवी ने अपने इस भक्त की श्रद्धा व विश्वास को देखते हुए स्वयं उसे दर्शन दिए तथा बाबा से कहा कि अब तुम्हें मेरे दर्शन के लिए पाटन नहीं आना पड़ेगा, अब तुम मेरी पूजा अर्चना यहीं करो। इसके बाद आसमान से कड़कती बिजली पीपल के पेड़ पर गिरी और पाताल लोक चली गई। उसी स्थान पर बाबा जयराम भारती ने मां पाटेश्वरी का पूजन शुरू किया। बिजली गिरने के चलते इस स्थान को बिजलेश्वरी देवी के नाम पर जाना जाता है। देवी के बिजली स्वरूप दर्शन देने की जानकारी जब बलरामपुर के तत्कालीन महाराजा दिग्विजय प्रताप सिंह को मिली तो उन्होंने भी देवी मां के दर्शन किए और मनोकामना मांगी। कुछ ही दिन में मनोकामना पूर्ण हो गई, जिसके बाद महाराजा ने संवत 1912 में मंदिर का शिलान्यास किया, जो साल 1932 में एक भव्य मंदिर के रूप में तैयार हुआ। ये मंदिर वर्षों से लोगों के आस्था का विश्वास का केंद्र बना हुआ है। बिजलेश्वरी देवी मंदिर के महंत परिवार की बात करें तो यहाँ बाबा जयराम भारती के बाद बाबा देवी भारती, फिर बाबा देव भारती, देवेंद्र भारती, फिर देवदत्त भारती के बाद बाबा दयानंद भारती वर्तमान में मंदिर की सेवा कर रहे हैं। यके बाबा जयराम भारती की 7वीं पीढ़ी है जो लगातार मां बिजलेश्वरी की सेवा कर रहे हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए बलरामपुर से सुधा सिंह की रिपोर्ट।